आवाज की दुनिया के दोस्त। एक था लक्ष्मी वल्लभ सेठ और सतमी लक्ष्मी का वल्लभ था। लोग कहते थे कि उसकी निधि का कोई पार नहीं और उसके अचूक व्यापार कौशल से कोष की निरंतर वृद्धि होती रहती थी। परंतु सबके सब दिन समान नहीं होते हैं आवाज की दुनिया के दोस्तों। कोई समय का दिन बड़ा, कोई समय की रात। काबू लूटी गोपियां वे अर्जन वैमान सज्जनों, कभी दिल से नहीं मिलते, कभी दिल ही नहीं मिलता, ये अपनी अपनी किस्मत है। कभी मंजिल नहीं मिलती, कभी साहिल नहीं मिलता, मौका दिया मुकद्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई, मेहनत और मंजिल भी तय हुई। यहाँ की बातें यहीं छोड़ दो, दूँ आगे का हाल सुनाए सज्जनों, कैसे कैसे सुनो भैया मित्रों। परंतु सबके सब दिन समान नहीं होते हैं। कोई अशुभ कर्म के उदय से लक्ष्मी वल्लभ के कुटुंब का क्षय प्रारंभ हुआ। पूर्व जन्म के कर्म भी जीवन में साथ जुड़े रहते हैं सज्जनों। अच्छे और बुरे किए हुए को लोकाचार में इनको भी ये कटु सत्य है झेलना पड़ता है, जैसे सेठ के साथ हो रहा है। सज्जनों देखते ही देखते विशाल परिवार काल के गाल में समा गया सज्जनों। परंतु लक्ष्मी वल्लभ की विचित्र ही स्थिति थी। कुटुंब के सदस्यों जो जो कम होते गए त्यों त्यों वह प्रसन्न होता गया। वह सोचता था अच्छा हुआ खर्चा कम हुआ। ये मानव की भूल है सज्जनों। जब संतान पैदा होती है तो माँ के आंचल में दूध आ जाता है। मित्रों जब दांत नहीं थे दूध दिए, जब दांत भे तब अन्न विदे है। जान को देते अजान को देते जहान को देते सोतों को विदे है। जीव बसे जन और थल में उनकी सुदले सो तेरी विले है। काय को चिंत करे मन मूर्ख चिंत करे अब का होड़ी का निमित होता है सज्जनों। हर लिखी सो बेलिखी लिख लिख घाले अंक हर राई गठन तिल विधेय रह रहे जीव निशंक। सज्जनों वह सोचता था अच्छा हुआ खर्चा कम हुआ, पूरा कुटुंब नष्ट हो गया, वह अकेला ही रह गया। अब वह था और उसकी चेती लक्ष्मी, उसे लक्ष्मी ही वल्लभ लगती थी। लोगों से बात करने की सेठ जी को फुर्सत नहीं, परिजनों के यहाँ अत्यावश्यक कार्य के लिए जाने के लिए भी अवसर नहीं। गुरुजन की वाणी श्रवण की बात तो बहुत दूर रही, किंतु उनके दर्शन करने तक को समय नहीं। बस सेठ जी का एक ही धुन थी धन धन और धन। कोई भिक्षुक द्वार पर आ जाता तो उसे दुत्कार कर भगा देता था। सेठ जी रा कलरा टका होगा गिरनौसा सावचेत रह। मित्रों एक बार नगर में महामारी का प्रकोप हुआ। लोग नगर छोड़कर नगर के बाहर डेरे बना बना कर उनमें निवास करने के लिए जाने लगे। पड़ोसियों ने सेठ से कहा सेठ जी रोग का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, चलो आप भी नगर के बाहर। सेठ जी ने ये बात सुनी तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो किसी ने गाली दे दी हो। उन्होंने मुंह बनाकर कहा तुम लोग भी कैसे पागल हो, मैं एक क्षण भर के लिए भी क्या घर छोड़ सकता हूँ। किसी ने कहा सेठ जी क्यों हट करते हो, यहाँ यूँ ही बिना मौत मर जाओगे। सेठ ने उन्हें घूरते हुए कहा मैं घर को सुना छोड़कर नहीं जा सकता, मैं क्यों मरने वाला, मरोगे तो तुम मरोगे। सेठ ने एक न मानी, वह कैंप में ही नहीं गया सो नहीं गया। लोग कभी कभी कार्यवश नगर में आ जाया करते थे, गांव सूना था। अकेला सेठ जब सूने नगर में दिखता था, परंतु कुछ दिन से सेठ का दरवाज़ा बंद था, सेठ दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन एक पड़ोसी का ध्यान इस ओर गया, उसने दूसरे पड़ोसी से कहा, उसने उपेक्षा कर दी। दूसरे दिन और लोगों का भी ध्यान गया। एक ने कहा क्या बात है, कई दिनों से सेठ जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरे ने कहा कृपण को मरने भी दो। तीसरे ने कहा अरे कहीं सचमुच ही मर गया न हो, अब तो सबको कौतूहल हुआ।
वे दरवाजे के छिद्र से भीतर झांकने लगे। उन्होंने आंखें तो कुछ दिखाई नहीं दिया, परंतु नाक से दुर्गंध आने लगी। उन्होंने जो जो करके दरवाज़ा खोला, लोगों की आशंका सच निकली। शेर जी न जाने कब मर गए। उनकी लाश सड़ रही थी, चारों ओर दुर्गंध फैल रही थी। लोगों ने नाक पर कपड़ा लगा लिया और दूर दूर हटने लगे। लोग भांति भांति की बातें कर रहे थे। सेठ के अग्नि संस्कार की समस्या उठ खड़ी हुई, कौन ले जाए उन्हें जलाने के लिए। सबको अपने अपने प्राण प्यारे थे। आखिर में भंगी को सूचना दी गई। भंगी भी लाश को उठाकर ले जाने को तैयार नहीं था। अंत में कुछ पैसों के लोभ में वह लाश को जाने के लिए ले जाने के लिए तैयार हुआ। उसने पांव में रस्सी बांधकर लाश को घसीटकर गांव के बाहर एकांत में डाल दी। वहीं पर पास में एक महात्मा की कुटिया थी। महात्मा ने भंगी से कहा, अरे यहाँ ये लाश क्यों डाली है? भंगी कुछ नहीं सुना और वहाँ से चला गया। करोड़ों की संपत्ति का स्वामी यहीं पड़ा था मित्रों। एक सियार आया और वह लाश को खाने लगा। तब महात्मा उसे संबोधित करके कहने लगे, हरे हरे सज्जनों मित्रों।